18.3 कचरा प्रबंधन वेस्ट मैनेजमेंट। 18.3.1 कंपोस्ट खाद के द्वारा बाय कंपोजिशन। हम देखते हैं कि हमारे घरों से निकलने वाले कचरे में जैविक रूप से नष्ट होने वाला कचरा लगभग 50% तक या इससे अधिक होता है। क्यों ना इसका प्रबंधन हम अपने घरेलू स्तर पर करें। अगर हमारे घर पर या आसपास कहीं भी जहां खाली जगह हो तो हम वहां इस कचरे को खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। खाद बनाने के लिए एक गड्ढे में रसोई घरों से निकलने वाले कचरे, सड़े गले फलों और सब्जियों व खाद्य सामग्री व पत्तियों आदि को भर देते हैं। इसे ऊपर से मिट्टी से ढककर लगभग एक माह तक छोड़ देते हैं। गड्ढे में डाले गए कचरे व जीवाणुओं की क्रिया के कारण कचरा खाद में बदल जाता है, जिसे जैविक खाद कंपोस्ट कहते हैं। इस तरह बनाई गई खाद में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यह मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि करती है। केचुओं की सहायता से भी पत्तियों, सड़े गले फलों, सब्जियों और खाद्य सामग्री को कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं केचुओं द्वारा कंपोस्ट बनाने की विधि? इस हेतु किसी छायादार स्थान को चुनकर इसमें 3 स्तर बनाए जाते हैं। पहला स्तर मिट्टी के करीब 15 सेंटीमीटर मोटी परत। दूसरा स्तर मिट्टी के ऊपर घास की करीब 10 सेंटीमीटर की परत। तीसरा स्तर दूसरे स्तर के ऊपर गोबर की करीब 15 सेंटीमीटर मोटी परत। इन स्तरों के ऊपर जल का छिड़काव किया जाता है और इसमें उत्तम नस्ल के केचुओं को छोड़ दिया जाता है। केचुए धीरे धीरे भीतर की ओर चले जाते हैं। इस ढेर को ऊपर से जूट की मोटी बोरी से ढक देते हैं। इस ढेर पर प्रतिदिन जल का छिड़काव करते हैं। लगभग 15 दिनों के बाद इस मिश्रण को फैला देते हैं। इसी समय इस मिश्रण में जैव निम्नीकृत हो सकने वाले कचरे को मिला देते हैं तथा इसे पुनः जूट की बोरी से ढक दिया जाता है। इस पर 20 से 30 दिनों तक समय समय पर जल का छिड़काव किया जाता है। 20 से 30 दिनों के बाद केचुओं की सहायता से कंपोस्ट खाद तैयार हो जाती है। इसे वार्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या घरों से निकलने वाले सभी कचरे से कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है? क्यों या क्यों नहीं?